हेलो फ्रेंड, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे और जब डॉक्टर के पास आप पहुंचेंगे तो वो आपको सोनोग्राफी ज़रूर एडवाइस करते हैं। अब जो पहले ट्राइमेस्टर में है, जब पहली पहली बार आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर जनरली आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं, यानी कि TVS एडवाइस करते हैं। अब आप ये पूछना चाहते हैं कि आखिर पहली सोनोग्राफी के टाइम पर TVS ही क्यों करते हैं, एब्डोमिनल सोनोग्राफी क्यों नहीं करते हैं? तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम एब्डोमिनल सोनोग्राफी नहीं कर सकते, हमें TVS ही करनी होती है। बट TVS के जो रिजल्ट होते हैं वो ट्रांस एब्डोमिनल यानी पेट के ऊपर से की जाने वाली सोनोग्राफी से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसमें हमें जो चीज़ एब्डोमिनल सोनोग्राफी में 2 हफ्ते बाद दिखेगी वो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में 2 हफ्ते पहले दिख जाती है, यानी कि बच्चे की धड़कन हमें 6 हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाती है। 5वें से 6वें वीक के अंदर हमें TVS में सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन पता चल जाती है। लेकिन यही चीज़ अगर हम एब्डोमिनल सोनोग्राफी में देखेंगे तो हमें 7वें से 8वें हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यदि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी आप करवाती हैं तो बच्चे का जो पोजीशन है, यानी कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है या नहीं है, क्योंकि बच्चा कई बार बच्चेदानी के अंदर ना लगकर ट्यूब्स में भी लग जाता है, तो पहली सोनोग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे का पोजीशन हम चेक करें कि बच्चा इंट्रा यूटराइन है या एक्स्ट्रा यूटराइन, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। 100% डायग्नोसिस मिलता है, बहुत क्लियर कट दिखता है, बहुत अच्छे से दिखता है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकता। दूसरा, बच्चे का पोजिशन देखने के बाद बच्चे की धड़कन चेक करनी होती है, वो भी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से ही दिख पाती है। अगर एब्डोमिनल सोनोग्राफी से देखेंगे तो बहुत लेट हो जाते हैं और डिसीजंस लेने में कई बार काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर को कॉपरेट ज़रूर कीजिए और यदि आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के लिए बोला गया है तो उसके लिए मना मत कीजिए। इसमें किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता है, बहुत कंफर्टेबली होती है और सारे डॉक्टर बहुत ही अच्छे से प्यार से सोनोग्राफी करते हैं। तो रिलैक्स होकर अगर आप लेटेंगी, रिलैक्स होकर आप सोनोग्राफी कराएंगी तो आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कि हमें ये खुशखबरी मिले कि मेरा बच्चा अच्छा है, हेल्दी है, नॉर्मल पोजीशन पर है, ग्रोथ अच्छी है और सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर पाएंगे। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी शुरुआत के लिए मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन है, ज़रूरी है, उसके लिए मना नहीं करना होता है। डॉक्टर को कॉपरेट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।